आज हम आप सबकी पसंदीदा डिश कढ़ी बना रहे हैं। आज की कढ़ी एक मुख्तलिफ तरीके से बनेगी जो यकीनन आपको पसंद आएगी। आम तरीके से हटके इसमें लहसुन, सफेद जीरा और कड़ी पत्ते से बघार दी जाती है। कढ़ी के लिए जो अज्जा दरकार है, इनमें बेसन 200 ग्राम, दही 200 ग्राम, प्याज एक अदद बड़ी, लहसुन 4 से 5 जुए, साबित मिर्च 5 से 6 अदद, कुटी मिर्च आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हसबे जायका, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी मिर्च 1 चाय का चमचा और कड़ी पत्ता 10 से 12 अदद। सबसे पहले 100 ग्राम बेसन और 200 ग्राम दही को ब्लेंडर में अच्छी तरह मिक्स कर लें। एक बर्तन में तेल गरम कर लें, इसमें कतरे हुए लहसुन, आधा चम्मच सफेद जीरा और 10 से 12 अदद कड़ी पत्ते हल्के से भून लें। इसके बाद पहले से तैयार किया हुआ बेसन दही का आमेजा इसमें शामिल कर दें। इसको मुसलसल चलाते रहें ताकि इसमें गुठलियां ना बने। एक कप मजीद पानी शामिल कर दें। इसमें पिसी सूख मिर्च, हल्दी पाउडर शामिल करके चलाते रहें। इसे ढक के हल्की आंच में पकने दें और अब पकौड़ा बनाने की तैयारी करते हैं। 100 ग्राम बेसन में चौथाई चाय का चमचा खाने का सोडा, चौथाई चाय का चमचा अजवाइन, आधा चाय का चमचा हल्दी पाउडर, नमक हसबे जायका, आधा चाय का चमचा सूख मिर्च पाउडर, एक चाय का चमचा सफेद जीरा, एक खाने का चमचा क्रश किया हुआ लहसुन और कटी हुई प्याज शामिल करनी। इस आमेजे में थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर दीजिए और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। बेसन जितनी अच्छी तरह फेटा जाता है पकौड़े इतने ही अच्छे बनते हैं। इसे चेक करने के लिए जरा सा बेसन ठंडे पानी में टपकाएं। अगर ये घुल जाता है तो इसे अभी और फेटना है और अगर ये सतह पे आ जाए तो परफेक्ट है। बेसन फेटा जा चुका है, अब हम अपने तैयार की हुई कढ़ी में नमक शामिल करेंगे। और इसे अच्छी तरह चला लें। पकौड़े तलने के लिए एक पैन में ऑयल गरम कर लें। तेल गरम हो जाए तो इसमें पकौड़े तलना शुरू कर दें। पकौड़े तलने के लिए बेसन चमचे से ला लें या हाथ से, जैसे आपकी आदत हो या जो आपको आसान लगता हो। पकौड़े ना तो बहुत छोटे हैं और ना बहुत बड़े। पकौड़े एक तरफ से सुनहरे हो जाए तो उन्हें पलट के दूसरी तरफ से सुनहरा कर लें। पकौड़े तैयार है, अब इन्हें कढ़ी में डाल दें। और अब कढ़ी को बघारने के लिए अज्जा नोट कर लें। कढ़ी पत्ता, सफेद जीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च, बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटा हुआ लहसुन। फ्राई पैन में तेल गरम करके इसमें सबसे पहले प्याज और लहसुन को हल्का सा फ्राई कर लें। साबुत लाल मिर्च तेल में डालने से फट जाती है, इसमें एक छोटा सा सुराख कर लें, इससे ये फटेगी नहीं। अब दही और अज्जा भी शामिल कर लें। जीरा डाल दिया है, उसके बाद कुटी हुई मिर्च डाली है, कड़ी पत्ता डाला है और आखिर में साबुत लाल मिर्च। प्याज सुनहरी होने तक इसे तल लें। और अब कढ़ी को बघार लगा दें। मजेदार कढ़ी तैयार है। उम्मीद है आपको, आपके दोस्तों को और मेहमानों को पसंद आएगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और पहली मरतबा इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।